नमस्कार, LNB टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। दमोह में बाईपास ओवर ब्रिज में रेलवे का कार्य प्रारंभ, ROV का एक हिस्सा पूर्ण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि मंडल करेगा मुख्यमंत्री से मुलाकात, मांग होने की पूरी उम्मीद। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सहकारी समिति आशाओं की मांगों को लेकर हड़ताल जारी। वैश्विक जागरण रैली का दमोह में हुआ समापन और चादर लेकर इस्लाम धर्म के अनुयायी निकले दरगाह पर, पेश करने जोरदार स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। दमोह नगर के सागर नाका के समीप निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज का कार्य अपनी द्रुत गति पर चल रहा है। राज्य सरकार के हिस्से में आने वाले दोनों ओर के पुल को पूर्व में ही कंप्लीट कर लिया गया है, वहीं रेलवे ने अपने हिस्से के कार्य को प्रारंभ कर दिया है। ROB के एक हिस्से को रेलवे के संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अभी हाल में ही पूर्ण कर लिया है। ओवर ब्रिज के निर्माण पूर्ण हो जाने से शहर के अंदर का यातायात दबाव काफी कम हो जाएगा। और उधर बंद करवा दीजिए, हाँ ठीक है ना, और इधर का भी बंद करवा दीजिए पूरा, कोई असामाजिक तत्व ना आए, क्योंकि अपने लिए तकलीफ बने और तकलीफ में आएंगे ही आएंगे। तो परमानेंट सफल हो जाए तब है, लोहे की प्लेट होगी परमानेंट, जब सफल हो जाए तब है। एक सेंट्रल कैथेड्रल स्लैब में होती है जिसे निकाल देंगे, बन गया तो ये परमानेंट लगा देंगे, कहीं कोई छोड़ देंगे नहीं। वो जो मतलब सूचना उचना वो सब दिखवा देंगे, मनु तो वीडियो डालो इसमें, हम ग्राउटिंग कर देंगे ना, भूल चलेगा जहाँ से यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला ही, हम उनको सेंड पे भी ऐसे फिक्स कर दिया बीच में स्काइप की इसको ड्रेसिंग से। अब ये देखिए जो हाइट दिख रही है, ये पूरी कॉन्क्रीट आएगी इसमें, तो हो जाए पूरा कॉन्क्रीट में चल रहा है, कॉन्क्रीट ओवर ब्रिज के कार्य को जल्द पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत मलैया लगातार क्षेत्र का भ्रमण एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश लगातार देते रहे हैं। हाल ही में होली के त्योहार पर दमोह पहुंचे मंत्री मलैया ने क्षेत्र का भ्रमण भी किया था। हाँ, हाँ, हाँ।
आइटम चेंज है, बहुत बड़ा काम होगा, समझ में नहीं आता सर क्या है। निवेदन है सर कि रेलवे वाला हम लोगों ने कभी नहीं किया था, और इनका तो हम देंगे लेकिन रेगुलर नहीं देंगे। जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने रेलवे के अधिकारियों को कार्य पूर्ण होने पर बधाई दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। वह देश प्रदेश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम जैसे नारों को लगातार लगाकर अपना विरोध प्रकट करने में लगी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष श्रीमती शोभा तिवारी ने बतलाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 10 मार्च प्रदेश भर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं के पदाधिकारी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये आपके हड़ताल का कौन सा दिन है? 24वां दिन है और हम लोग भी ये 7 दिन उपवास भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन 22 फरवरी को हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और बोल गए थे कि आप लोग अनशन त्याग दें और हम बहुत कुछ देने वाले हैं आपको, लेकिन 28 तारीख का बोल गए थे कि 28 तारीख के बजट में बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन 28 तारीख के बजट में कुछ नहीं हुआ। और अब हमें माननीय ऊपर संघ द्वारा हमें निर्देश दिया गया कि आप प्रतिनिधि मंडल आइए 10 तारीख को और वहाँ मुख्यमंत्री जी बहुत कुछ देने वाले हैं, तो उसी आशा में हमारी बहनें हड़ताल पर हैं और कल तक का इंतजार और कर रहे हैं। आज रात को आप लोग भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे? आज प्रतिनिधिमंडल भोपाल जाएंगे। क्या उम्मीद लग रही है? हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब हम लोगों ने उनको राखी बांधी, उनको जगाया, तो वो हम लोगों को मांग पूरी करेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर हैं। वह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कराने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। उन्होंने नगर के विभिन्न मार्गों से होकर एक मोटरसाइकिल रैली को निकाला और जमकर नारेबाजी की। लोगों को 3 बजे स्वल्पाहार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय जी ने घोषणा करवाई है समोसा के लेन चाय की, ये सब भाई ने देखा ही नहीं थोड़ा। अध्यक्ष महोदय बताया समोसा और जलेबी की घोषणा करवाई है। LNV TV के धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपका स्वागत है।
इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने नगर के मुख्य मार्गों से होकर चादर निकाली एवं दरगाह पर पेश की, जिसका मार्गों में लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। एलएनवी टीवी के मौसम के समाचारों में आपका स्वागत है। तापमान अधिकतम 36.0, न्यूनतम 15.0, हवा का दबाव सुबह 10-14.0 रहा और हवा का दबाव शाम को 10.07.6 रहा। यह थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।